नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि आप आनंद उठाते हैं सभी कार्यक्रमों का अपनी बुरी अपनी भाषा में दिल से। आज हम जा रहे हैं साखीना लेने के लिए, तो बने रहिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में। साखीना लेके मिला तो निकल पड़े हम लोग सफर पे, हमको पता भी नहीं साखीना है का, फिर भी लेकिन हमें ढूंढना है। बाकी मिस्टर बॉबी ड्राइव करते हुए, आज इनका आखिरी एग्जाम था, बाकी 12th की छुट्टी, और सीधा हम लोग जा रहे हैं आज इसी खुशी में शाकिना लेने के। शाकिना की गाड़ी जगह हम पहुंच चुके हैं अभी, और हमारे टीममेट चाची जी और बॉबी इज हियर। बाकी हम शाकिना देखिए, हमको पहले लोकेशन में पहले ये कलेक्ट करते हैं, ये रहा शाकिना, बट पहले से किसी ने निकाल रखा है इससे, ये जमा करना है करके। हैं बारिश से नहीं झड़ते यार, यहाँ पे भी है ये टारगेट। अभी हम लोग वो पॉइंट बना रहे हैं कहाँ कहाँ है, ये है सामने की तरफ, यहाँ से निकालते हैं। धूप जाने वाली है, और फिर तब तक जब तक ये धूप है तब तक तोड़ने में तो मज़ा ही आ गया। इधर बॉबी भाग रहे बहुत तेज स्पीड से, चीता बन गए। चकोर चकोर चकोर, ये देखो चकोर यार, चकोर भी यहाँ पे, चकोर नाइट आउट पे आते इधर एसी को ले जाना था। गाइस यहाँ पे बोला हमला यहीं मिलेगा। चलो ये रहा साखीना, चलो निकालो बेगे करके। अब ये हमारे बहादुर भाई पहला डाला साफ करते हुए, इन्होंने तो पूरा का पूरा आज साखीना का पेड़ उखाड़ दिया। बॉबी कितना कितना निकाला? एक मुट्ठी बस, आपने थोड़ा बहुत निकाल दिया होगा। देख भाई मैंने थोड़ा सा बढ़ दिया, मैं कोई और पेड़ की तलाश में हूँ। अरे यार ऐसे भी उधर मत जाओ यार, छिपरा वाली यहीं से निकाल दो फटाफट से, यहीं से निकाल दो। चल रुक जा, आप मेरे पेड़ में क्यों आ रहे? क्या तेरा पेड़ क्या आ रहा है क्या? ये तो नीचे का पेड़ है, नीचे का पेड़ है तो फिर इसके मत तोड़ो। इसका क्या? तो ये जो पेड़ है बेसिकली हमेशा याद रखना, इसको काटना मत जैसे लोग काट देते हैं, क्योंकि हर सीजन में होता है, काट दोगे फिर कहाँ से खाओगे दोबारा से इसको। तो ऐसे करके आप इसको, ये इसके बेसिकली जो फ्लावर्स हैं यही हमको कलेक्ट करने मेन, यही टारगेट है। ये जो ये फ्लावर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं बिल्कुल बिल्कुल यही, इससे हम बताएंगे आपको क्या क्या बना सकते हैं, पराठे से लेके और इसका जो रायता बनता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। दस्त लगी होती है ना वो इसको खा, वो उसके इसको सुखा के रख देते हैं, साल भर खा सकते हैं, ऐसी और तो ऐसी करते हैं। हाँ और जो जिसको दस्त होते हैं ना वो इसको खा सकता है, डायरिया। हाँ उसके लिए बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति बढ़ाता है ये, बाकी बहुत सारी शक्तियाँ बढ़ाएगा ये, बड़े खाना चाहिए आपको, तो पल्ले पड़ने चाहिए आपके पल्ले। ओले से बर्बाद हो रखा है वो, तब अभी तो हम बहुत लेट आए हैं, पहले पहले तक आते तो मिलता भी, बट कोई तो बॉबी के पेपर थे ना बतेरा, लेकिन हमारे लिए काफी है, नमाण करना कहीं नमाण के खातिर भिजाएं तो खैर सही बात है। सागर थोड़े का एक निंजा टेक्निक है कि आप ऐसे डंठल पकड़ो उसका, पूरे पत्तियों से थैली भर दी, हमने तो फूल फूल तोड़े हैं, जैसी पत्ती आए रुक जाओ और ये इसको इसमें डाल दो, बस देखो हो गया। एक बार अपना थैला थैला भर रखा मेरा फूल बैंगर, खाना कितनी पत्ती है कितनी बतेरे हैं, वाह देख कितना अच्छे फूल मिले हैं तुझे, तो पत्तियां मत तोड़ इनमें। अरे पत्ती मैं थोड़ा सा हाथ धो कर रहा हूँ, जो पत्ती आ रही थोड़ा सा देखो नहीं निकल रही, छांटनी पड़ेगी फिर, बट ये अच्छी तो टेक्निक है उसकी, ये कि साफ करो साफ, पिंक पिंक फूल, बस को काटा मत करो, अगर आप लोग काटोगे फिर दोबारा अगले साल होंगे कैसे, इसीलिए। अरे फिर इसमें अंगरे आते हैं भाई नए वाले, हां बट कई लोग जड़ से काट देते हैं, वही तो गलती करते हैं, कई के लोग करते हैं। चलो हो गया आज का, यहाँ का तो हो गया, ले चलते हैं आपको हम सीधा एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति के पास, जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सफाई से तोड़ रहे हैं फूलों को। भाई जी इसको क्या बोलते हैं? साखीना। साखीना तो साखीना तोड़ रहे हैं भाई जी यहाँ पे, ये रहा साखीना, कितना सुंदर सुंदर साखीना यहाँ पे देखो, इतना सारा, ये बाबा पहाड़ के पीछे का पहाड़ है, उसके पीछे हमारा घर गाँव है वैसे, और यहाँ साखीना बहुत है इस वाली हाइट में, ये तोड़ रहे हैं हम आज। हम ना थोड़ा वो नहीं दिख रहा, कुछ सामने दिख रहा पिंक पूरा भरा हुआ। हाँ अरे चलो उधर, अभी अभी की सूचनाओं के अनुसार खबर मिली है कि बॉबी को पूरा खजाना मिला साकिना से भरा। चलो भैया खजाने की तलाश में, चलो। ओ भाई तगड़ा तो मिला भाई, वो देखो, देख रहे आप लोग एक ये पेड़ ये सामने वाला, एक ही और एक ही बीच में, और ऊपर से और ऊपर से वहाँ जाने का नहीं है भाई, तभी है वो इतने। चलो ना हम चलेंगे, नहीं यहाँ नहीं, रास्ते है तो ऊपर आ जाइए, रास्ते में यहाँ पर भी है, आ जा जा है इधर, जल्दी आ, जंगल ही जंगल है यहाँ जाने के लिए। ओ भाई यह खजाना, ओहो
वो करौंदा भी इधर, उसको करौंदा बोलते हैं। करौंदे कहाँ गया देखो, यहाँ पे करौंदे भी लग रखे हैं, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। चलो भाई अब तोड़ेंगे हम खजाना, ये असली प्योर खजाना। ये बल्कि ये हेल्दी है देखो, ये काफी अच्छा है देखो, फूल भी रखे हैं देखो। ये सबसे बढ़िया जो है ना उस टाइम पे, ये बॉबी के पास देखो, जो बॉबी बैठा है अल्टीमेट। मैंने तो काफी कुछ कलेक्ट कर लिया, दिखाओ भाई झोली में क्या क्या है। झोली में है इतना सारा साकी ना, खाली ऑलमोस्ट यार, इतना कुछ तोड़ने के बाद भी। बहुत सारा साकिरा तोड़ लिया हमने आज, बाकी मैंने तो काफ़ी कुछ तोड़ दिया, इनका नहीं पता मुझे, बट मज़ा बहुत आया भाई आज। आहा, एक थैला एक्स्ट्रा लेके आते, ये तो भरेगा नहीं, बट जो लाल वाला है तो मैं भरी दूंगा ऑलमोस्ट। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर, काफ़ी कुछ भरना बाकी है। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं कुछ और जगह पर जहाँ सके हम साकिरा तोड़ सके। साकिरा किसके ले जा रहे हो आप? किसी ने बोला है काफ़ी सालों से नहीं खाए। ओ मैंने तो पिछले साल भी खाया था, इससे पहले भी खाया था। कहाँ ले जा रहे हो? अपने गांव। गांव लेके जा रहे हो साकिना इतना सारा? वेरी गुड। आपको सफ़ेद खून कैसा निकलता है इन पेड़ों से? हाथ से मत छू, कांटा चुभेगा। ये चोप बोलते हैं, चोप चोप गोंद वाला पेड़। क्यों निकाला बेचारे का खून? सुरूर छा रखा है साकिना का। देखो मेरे सर ने भी छान लिया एक साकिना का पत्ता, सॉरी फूल। बस आज बदरा कलेक्ट कर लिया काफ़ी इतना हमारे लिए, बाकी हम घर जाके बताएंगे आपको क्या क्या इसके बाद प्रोसेस करते हैं इसका छानने के बाद। ऑलमोस्ट धूप जाने ही वाली है, जा चुकी है ऑलमोस्ट जहाँ पे हम हैं अभी, इससे पहले धूप थी। और ये यहाँ पे देखो आप, ये साकिना तोड़ते हुए, बट यहाँ पे धूप जली गई। कोई नहीं, अब घर वापस जा रहे हैं हम। चलो भाई जल्दी, चलो भाई फटाफट फटाफट। हला कहा तुम हमारे डोबरे जाने तक, तुम्हारा गाँव पड़े नहीं लाते तक साकिन लगे कारण नाची को मोड़ा बैंगर की है। हमारा डोखरा अंजाए तक अंजाए डोखरा डोखरा भी विचार विमर्श करने के बाद हम लोग ने डिसीजन लेके घर वापस जाते हैं। अब बहुत समय की कमी होने के कारण हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अभी वो है हमारी गाड़ी, गाड़ी में से जा रहे हैं घर की तरफ। मिस्टर बॉबी ड्राइव कर रहे हैं और मैं उसकी ड्राइविंग देख रहा हूँ उस टाइम कैसे चला रही है। I have Mamaearth का फेस वॉश एंड दिस टाइम ये है हनी मलाई फेस वॉश। इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो था हनी मलाई यानी कि मॉइस्चराइजर, और यह है फेस वॉश। तो ये नया एकदम, इसको ट्राई करते हैं Mamaearth का। इसके लिए तो इसके अंदर जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वही है ग्लिसरीन से लेके एलोवेरा से लेके और आपका मलाई भी है साथ में, जो कि बिल्कुल हेल्दी ग्लो देगा। तो मैं फेस वॉश यूज़ करने वाला हूँ और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर भी, देख लो कैसा है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ लगा के और फिर बताता हूँ कैसा रिजल्ट आएगा इसका। ओके पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फेस। मज्जा ही मज्जा लगता है, बहुत सारी मलाई आ चुकी है मेरे पास। दिस इज़ यूज फॉर नरिशिंग ग्लो। अच्छे से आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करो और जेंटली मसाज करो साथ साथ में, जितनी भी डर्ट है हर चीज़ से वॉश कर सकते हैं हम लोग। और बाकी रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, मुझे पता है काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ इससे पहले इसको, बट आज मैं शो करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो कुछ टाइम बाद बस अब इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से अब। और कैसा लगा अर्जुन? अच्छा। जस्ट अभी मैंने ठंडो रे ठंडो, मेरे पहाड़ की हवा ठंडी और पानी भी ठंडो। अभी मैंने बस फेस वॉश किया और देखो बिल्कुल एकदम नरिशिंग ग्लो आ गया फेस में। कैसा लग रहा है अर्जुन चेहरा? अच्छा। एकदम बढ़िया लग रहा है। ये जो फेस वॉश है बिल्कुल नेचुरल है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ रखता है। Mamaearth के सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे नेचुरल होते हैं, मेड इन इंडिया कंपनियाँ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनते हैं इसके सारे के सारे। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है सारे सारे। हाँ जी, और ऑल स्किन टाइप के लिए है, सारे स्किन के लिए सूटेबल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लार्ज जो तो यूज़ करिए, ठीक है, बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब अभी नहीं। ऑनलाइन वेबसाइट यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मल्टीपल जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आप बुक्स को परचेस कर सकते हो, साथ में ऑफलाइन स्टोर्स में भी ये नियर बाई सब जगह ही अवेलेबल है। तो जाइए और चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन परचेज दैट ब्यूटीफुल नरिशिंग फेस वॉश फ्रॉम द लिंक। ये क्या नया, ये क्या नया है, ओदे बोलियो। एक और चीज़, अगर आपको चाहिए ह्यूज डिस्काउंट 20% का, तो जाइए चमोली 2023 आप टाइप करना mamaearth.in में, जब इसको आप परचेस करोगे आपको मिलेगा टोटल लाके 20% ऑफ। जस्ट गो फॉर इट। बाय बाय।